माय डियर स्टूडेंट, आज मैं पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर वन है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट पार्ट ये आपका, सेकेंड पार्ट है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और थर्ड पार्ट आपका एक्स इज इक्वल टू टू। देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अपना ही है, तो इसमें आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करनी है। यानी x अपना जीरो है तो पॉलिनोमियल में जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप जीरो पुट कर दीजिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सेकेंड पार्ट माइनस वन पुट कर दीजिए, ऐसे ही आपका थर्ड पार्ट टू पुट कर दीजिए, आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है, द गिवन पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, पुट x is equal to 0, f of 0, hence f of 0 is equal to 5 into 0 minus 4 into 0 plus 3, तो ये complete 0 आपका, ये 0 plus 3 is equal to 3, यही आपका answer है, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका, सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है आपका ये वाला, तो द गिवन पॉलिनोमियल इज एफ ऑफ एक्स is equal to 5x minus 4x square plus 3। तो ये पॉलिनोमियल आपका के यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे x is equal to minus 1, ये पुट कर देते हैं, तो आपका बनता है f of minus 1। तो x की जगह पे पुट कर दिया हमने minus 1, आगे भी पॉलिनोमियल के अंदर दिया, तो 5 into minus 1 minus 4 into minus 1 square plus 3, तो 5 बन जा 5, साथ नेगेटिव साइन है माइनस 5, ये आपका पॉजिटिव साइन हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, बेस में माइनस है, और ये आपका नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे तो माइनस 4 और ये आपका माइनस माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3, ये हो जाएगा आपका। तो इसको जोड़ेंगे तो माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स, ये आपका आंसर है। तो ऐसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, ये रख के ऐसे जो भी पार्ट में एक्स की वैल्यू दी गई है इनको रख के हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड पी ऑफ जीरो पी ऑफ वन पी ऑफ टू पी ऑफ टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर ईच ऑफ द
पॉलिनोमियल है बी पार्ट लेके चलते हैं, तो बी पार्ट में पी ऑफ टी, पी ऑफ टी अपने पास 2 + 3 + 2t² - t³ गिवन पॉलिनोमियल है। यहां हमने क्या पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है। तो t = 0 पुट, t = 0 तो ये हो जाएगा आपका पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 × 0 सॉरी ये है 2 + यहाँ पे 0, टी की जगह 0 पुट करें और फिर आपका ये 2 × 0 फिर -0। ये देखिए 2 + 0 + 0 - 0 फाइनल आंसर इसका 2 आ जाए। यहाँ आपने टी की जगह भी 0 पुट करना है, यहाँ भी 0 पुट करना है, यहाँ भी 0 पुट करना है, तो ये आपकी कंप्लीट वैल्यू ये 0 हो जाए, ये आपका फाइनल आंसर 2 आ जाए। ऐसे ही आपको पी ऑफ 1 पुट करना है, पी ऑफ 1 निकालेंगे तो पुट करो, पुट कर देते हम t = 1 पुट t = 1 तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 + 1 + 2 × 1² - 1³ 2 + 1 + 2 × 1² 1 होता है, -1³ 1 ही होता है, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन नहीं रहेगा, तो ये आपका बनता है 2 + 1 + 2 - 1 -1 + 1 कैंसिल, 2 + 2 आपका 4 आंसर। ऐसे ही आपका पार्ट थर्ड है, आपने निकालना है पी ऑफ 2, तो पी ऑफ 2 निकालेंगे तो क्या पुट करेंगे, t = 2 पुट करेंगे, पुट t = 2 तो 2 पुट करते हैं, यहां देखिए पी ऑफ 2 फिर आपका ये 2 + 2 + 2 × 2² - 2³ ये बनेगा आपका। यहां आपको नजर आ रहा है कि वहां पे 2 पुट कर दें तो p of 2 is equal to 2 + 2 + 2 × ये आपका 4 हो जाएगा, यहां पे 8 हो जाएगा, तो 2 + 2 2 × 4 = 8 - 8 - 8 + 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 = 4 ये आपका आंसर। तो ऐसे आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन थर्ड में आते हैं, क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन थर्ड कहता है आपका वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एज शोन अगेंस्ट देम, वेरीफाई करके दिखाना है द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है वो जीरो में वेरीफाई करके दिखाना है। तो यहाँ पे p of x है अपना 3x + 1, x = है अपना -1/3, तो पुट करेंगे हम पुट x = -3, आपकी x की जो वैल्यू है वो पॉलिनोमियल के अंदर रख के दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रखो p of -1/3 = 3 × -1/3 + 1, तो 3 कैंसिल आपका, फिर ऐसे ही -1 + 1 ये कैंसिल = 0, तो आपकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनती है। तो ये वेरीफाई करता है कि पॉलिनोमियल अपना क्या है 0, जब ये रखेंगे x = -3 पुट करेंगे तो आपका पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। सो
सो इसीलिए द गिवन पॉलिनोमियल विल बी जीरो व्हेन x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री. x माइनस वन बाई थ्री पुट करेंगे तो दिया गया पॉलिनोमियल आपका जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे ही आपने हल करना है. नेक्स्ट पार्ट है इसका, एक पार्ट और लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का. पी ऑफ एक्स है हमारे पास 3x² - 1 गिवन पॉलिनोमियल. अब हमने एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री 2/√3 इनसे वेरीफाई करके दिखाना है. ये x की जो वैल्यू है इनसे वेरीफाई करके दिखाएंगे क्वेश्चन को. देखिए, पुट x इज इक्वल टू -1/√3 तो ये बनेगा आपका p ऑफ -1/√3. ठीक है, अब यहां पुट करते हैं तो 3 × -1/√3² - 1 अब यहाँ स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाए आपका, तो 3 × ये बनेगा -1 स्क्वेयर करेंगे +1 हो जाएगा. रूट थ्री कंप्लीट थ्री ये -1 थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 - 1 ये कैंसिल आउट होके 0 आ जाएगा. यही हमने शो करना है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनानी है. ऐसे ही इसका एक्स इज इक्वल टू 2/√3 पुट करते हैं तो 2/3 पुट करेंगे तो यहां बनेगा आपका पी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 3 × 2/√3² - 1 अब 3 × 2² ये बनेगा आपका 4 और स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट 3 - 1 तो इसके बाद है आपका ये देख लो 2 × 4 हो गया, ये 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका बचेगा 4 - 1 = 3. तो इसको हम जब हम x इज इक्वल टू 2/√3 पुट करते हैं वेहन x इज इक्वल टू 2/√3 पुट इन द गिवन जब हम x इज इक्वल टू 2/√3 पुट करते हैं तो इन द गिवन पॉलिनोमियल दिए गए पॉलिनोमियल में देन तब वी गेट नॉट जीरो, हमें जीरो प्राप्त नहीं होता. ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये लास्ट वाला पार्ट इसका सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, तो इसको जीरो नहीं बनाता, नॉट जीरो. तो यही आपने हल करना है इस क्वेश्चन को. ऐसे पुट करके दिखाने हैं कि वेरीफाई करके दिखाने हैं कि कौन सी x की वैल्यू जीरो बना रही है पॉलिनोमियल को, कौन सी नहीं बना रही, वेरीफाई करके दिखाना है. तो ऐसे ही और पार्ट है इसके अंदर, वो आपने हल करने हैं. एक पार्ट और कर देता हूं.
एक पार्ट लेते हैं एच, एच वाला पार्ट लेके चलते हैं। एच का पार्ट अपने पास 2x+1, एच है हमारे पास पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, एक्स इज इक्वल टू 1/2 पुट करें। तो ये इसके लिए चेक करना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो इसके लिए वेरीफाई करेंगे हम, तो हमारा क्या आएगा ये देखना है। पुट एक्स इज इक्वल टू 1/2 इन द गिवन पॉलीनोमियल, इन द गिवन पॉलीनोमियल। तो पी ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 × 1/2 + 1, 2 × 1/2 + 1, वी कैंसिल आउट, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जीरो के बराबर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे टू आंसर आ रहा है हमारा, तो x इज इक्वल टू 1/2 अगेंस्ट द गिवन पॉलीनोमियल, क्योंकि जीरो के बराबर नहीं आ रहा। पॉलीनोमियल हमारा जीरो आना जरूरी होता है, जो भी वैल्यू रखते हैं जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो उसके अगेंस्ट होता है। ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, तो सो इसीलिए x इज इक्वल टू 1/2 अगेंस्ट द गिवन पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल के विपरीत है। तो ऐसे हमने क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट करना है। अब क्वेश्चन फोर्थ में आइए, क्वेश्चन फोर्थ में क्या कहना चाहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, फाइंड द जीरोज, फाइंड द जीरोस, ये जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस, फॉलोइंग केसेस। अब हमारा पॉलीनोमियल है, डी वाला पार्ट लेके चलते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-3, गिवन पॉलीनोमियल है, गिवन पॉलीनोमियल। अब जीरो फाइंड आउट करने हैं, तो 3x-2 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और बना लेते हैं यहाँ, p of x is equal to 0, तो p of x की वैल्यू ये है, तो 3x-2 is equal to 0, 3x ट्रांसपोज करते हैं तो 2, x is equal to 2/3, तो 0 है अपना, 0 of the given polynomial is 2/3, 2/3 है आपका ये पॉलीनोमियल का जीरो। तो ऐसे हल करने हैं, जो भी पॉलीनोमियल है उसको जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं, एक्स की वैल्यू ही इसका पॉलीनोमियल कहलाएगा, वो है जीरो कहलाएगा। ऐसे ही चौथे क्वेश्चन का एक पार्ट और करता हूं मैं, p of x बराबर ax, a not equal to 0, ये पार्ट है आपका f का। तो इसमें क्या करना है, p of x is equal to 0, इसके इक्वल लगते हैं इसको, तो p of x की वैल्यू है ax, तो ax is equal to 0, x is equal to 0/a, 0 आता है। ठीक है, तो 0 आएगा आपका
जीरो जीरो के बराबर ही आ जाएगा। पॉलिनोमियल का जो जीरो है, जीरो वो होता है पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। तो ऐसे ही आपने ये क्वेश्चन हल करने, बिल्कुल इजी इजी हैं। एक पार्ट और बता देता हूं, अच्छे से समझ आ जाएगा। p of x पार्ट g में है, p of x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, c नॉट इक्वल टू जीरो। तो पुट p of x इज इक्वल टू जीरो, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। सी एक्स डी को ट्रांसपोज कर देते हैं, माइनस का हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई सी, ये आपका जीरो आ जाएगा, जीरो होता है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन हल किया। तो बेटा एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल कंप्लीट होती है। अगली एक्सरसाइज का वीडियो अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे मटेरियल। ओके, थैंक यू।